हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आपको वेबसाइट देखो सीखो डॉट गुरु पर विजिट कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज 13 जून है और 13 जून के करंट अफेयर का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, अभी अभी 11 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए एक कर्टन रेंजर इवेंट चलाया गया, इसमें कौन सी एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है? तो इसका उत्तर है नमस्ते योग। इस एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। नमस्ते योगा ऐप को जनता के लिए एक सूचना मंच के रूप में डिज़ाइन किया गया है। इस योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बड़े समुदाय के लिए सुलभ बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो हर साल 21 जून को मनाया जाता है और इस साल की जो थीम होगी वो होगी योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में प्रस्ताव पारित किया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। पहला योग दिवस जो है वो 2015 में राजपथ नई दिल्ली में मनाया गया था। इसने 35,985 लोगों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा योग सत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की पहला महिला अध्यक्ष बनी है? तो इसका उत्तर है अरवेका ग्रीन स्पेन। तीसरा प्रश्न है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए एनविजन ऑर्बिटर की घोषणा की है? तो इसका उत्तर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चौथा प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन ने किन दो सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की है? तो इसका उत्तर है कोरेशा सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस फॉर रोड सेफ्टी एंड अवेयरनेस। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करके सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना है। और दूसरा जो है वो है कॉर्बेट सेंट्रल ऑफ एक्सेलेंस फॉर रोड्स ब्रिजेस एयरफील्ड्स एंड टनल। यह पूर्वी और उत्तरी पश्चिम भारत में लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कों, 19 हवाई क्षेत्रों, 56,000 मीटर पुलों और 4 सुरंगों के विकास में प्राप्त ज्ञान को संस्थागत बनाने पर केंद्रित है। पांचवा प्रश्न है, अमेरिका के इतिहास में फेडरल जज बनने वाले पहले मुस्लिम अमेरिकी कौन बने हैं? तो इसका उत्तर है जाहिद कुरैशी। छठा प्रश्न है, हाल ही में जाने माने पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री एवं सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर राधा मोहन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, उनका संबंध किस राज्य से था? इसका उत्तर है ओडिशा। प्रोफेसर राधा मोहन को पद्मश्री, उत्कल सेवा सम्मान, द ग्लोबल रोल ऑफ ऑनर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। सातवां प्रश्न है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट्स का नेतृत्व करने के लिए तेलंगाना सरकार के साथ साझेदारी की है? तो इसका उत्तर है फ्लिपकार्ट। आठवां प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में राज्य की कैबिनेट में शहरी क्षेत्रों में 50 साल से अधिक पुराने पेड़ों की रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है? तो इसका उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इस योजना को पारित किया है। 50 साल से अधिक आयु के पेड़ को हेरिटेज ट्री कहा जाता है। नौवां प्रश्न है, मार्गरेटा हैक के 99वें जन्मदिन पर गूगल ने उन्हें श्रद्धांजलि स्वरूप डूडल समर्पित किया है, वे कौन थी? तो मार्गरेटा जो थी वो इटली की खगोल भौतिकविद, प्रोफेसर, लेखिका और एक्टिविस्ट थी। उनकी विज्ञान के क्षुद्र ग्रह सैटेलाइट और तारकीय वायुमंडल में विशेष दिलचस्पी थी। इनको 1995 में क्षुद्र ग्रह 8558 की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। इनको इटली के सर्वोच्च सम्मान डेमा डी ग्रैंड क्रॉस की उपाधि मिली है। दसवां प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर अशोक पनघड़िया का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका उत्तर है चिकित्सा। 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ग्यारहवां प्रश्न है, 4 जून 2021 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान जो भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार है 6.842 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर तक पहुंच गया है? तो इसका उत्तर है 605.008 अरब डॉलर। बारहवां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ घरेलू कामगारों की भर्ती पर सहयोग को लेकर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है कुवैत। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो हैं वो कुवैत के दौरे पर गए हैं। कुवैत में लगभग 10 लाख से अधिक भारतीय
रहते हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार मई 2021 में पिछले कितने वर्षों में दूसरी सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है? तो इसका उत्तर है 121 वर्षों बाद। 14वां प्रश्न है, किसने 2021 का पुलिट्जर पुरस्कार स्पेशल साइटेशन जीता है? तो इसका उत्तर है डार्नेला फ्रेजियर। 15वां प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 12 जून। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2002 में इस दिवस को लॉन्च किया गया था। 2021 में यह दिवस एक्ट नो एंड चाइल्ड लेबर थीम के तहत मनाया गया है। तो दोस्तों ये थे हमारे करंट अफेयर। धन्यवाद।